अभी कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक तो दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगने चालू हुए हैं। अभी तक 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे लगने का अप्रूवल दिया गया था। 1,40,000 कैमरे लग रहे हैं। 70 विधानसभाओं में हर विधानसभा में 2-2 हज़ार कैमरे भी लग रहे हैं। उसका जो रिस्पॉन्स है जनता को वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव है। जनता बहुत खुश है कि उन सीसीटीवी कैमरे लगने चालू हो गए और ऑलरेडी कई जगह से इंस्टेंसेस आ रहे हैं जब सीसीटीवी कैमरे की वजह से कहीं कोई चोर पकड़ा गया, कहीं चोरी होते होते रुक गई। तो लोगों की डिमांड है चारों तरफ की। अभी जो 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे हमने शुरू किए हैं, 2,000 पर असेंबली, ये बहुत कम पड़ेंगे। तो आज निर्णय लिया गया है कि 1,40,000 कैमरे और लगाए जाएंगे। उसका अप्रूवल आज कैबिनेट ने दिया है और इसका टेंडर वगैरह होने के बाद मुझे उम्मीद है कि 3 से 4 महीने के अंदर ये नए 1,40,000 कैमरे लगने का भी प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो टोटल दिल्ली में 2,80,000 कैमरे लगेंगे। हर विधानसभा में लगभग 4,000 कैमरे लगेंगे। और जो हमारा एक कमिटमेंट था दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेके, हमारे दायरे में जो जो चीज़ें आती थी उसमें हम काम कर रहे हैं। और इस एक कदम से मुझे लगता है कि दिल्ली में अपराध भी काफ़ी कम होंगे और महिलाओं की सुरक्षा में भी इजाफा होगा, ऐसा हमारा मानना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया वो हमारा जो एक बहुत बड़ा चुनावी घोषणा था फ्री वाईफाई का, तो आज कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है। पूरी दिल्ली में 10,000 हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे और फ्री वाईफाई देने का काम एक तरह से शुरू हुआ है। 10,000 हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे जिसमें 11,000 हॉटस्पॉट्स, जिसमें 4,000 हॉटस्पॉट्स 4,000 बस स्टॉप्स के ऊपर लगाए जाएंगे और बाकी 7,000 हॉटस्पॉट्स जो हैं 100 पर असेंबली में लगाए जाएंगे। हर यूज़र को 15 GB डेटा पर मंथ फ्री दिया जाएगा। ये एक तरह से पहला फेज है। पहली बार इतने बड़े स्तर के ऊपर फ्री वाईफाई, मुझे लगता है पूरी दुनिया भर में इस तरह का मॉडल नहीं है जब किसी शहर में इतने बड़े स्तर पे फ्री वाईफाई दिए जा रहे हो। तो इसको एक बार ही फेज़ 1 ये कंप्लीट हो जाए, इससे जो भी लर्निंग्स होंगी उसके बेसिस पे, जैसे अभी हमने पहले 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए और फिर दूसरे अब 1,40,000 और लगा रहे हैं, इसी तरह से ये एक बार ही देख लेते हैं। इसके एक्सपीरियंस के आधार पर फिर जितने और जितनी और ज़रूरत पड़ेगी उतने और नेक्स्ट फेज़ में हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि ये वाला काम जो एक बहुत बड़ा हमारा चुनावी वादा था, ये भी काम हम लोगों ने पूरा किया। इस पर अगर आपके कोई प्रश्न है तो सर, कब से वाईफाई लगता है? दोनों मुझे लगता है 3 से 4 महीने के अंदर। अभी टेंडरिंग का प्रोसेस कंप्लीट होकर वर्क अवॉर्ड होगा। 3 से 4 महीने के अंदर नए सीसीटीवी लगने भी चालू हो जाएंगे और वाईफाई लगने भी चालू हो जाएंगे। और जैसे सीसीटीवी जहाँ जहाँ लगते जा रहे हैं वहाँ वहाँ वो शुरू होते जा रहे हैं, वैसे ही वाईफाई भी जहाँ जहाँ लगते जाएंगे वो लाइव होते जाएंगे तुरंत। यानी 4 महीने बाद ये वाईफाई की सुविधा शुरू हो चुकी होगी। सर, सरकार के फैसले का चुनावों से कितना नाता जोड़ा जाए? सर, पीछे हमने 70 वादे किए थे, तो जैसे ही सरकार बनी एक एक वादा पूरा करना चालू किया। और हमारा दिल्ली की जनता को वादा था कि 5 साल में पूरे करेंगे, तो 5 साल पूरे होने के पहले कर देंगे। सर, ये 15 GB डेटा जो है ये कैसे आप लोग इसको करेंगे कंट्रोल? सब कुछ 15 GB पे वो तो रिकॉर्ड हो जाएगा ना। आपका फ़ोन नंबर है, उससे आप रजिस्टर करोगे तो वो तो रिकॉर्ड हो जाएगा इसी जगह। सर, वाईफाई इस मॉडल पे काम करेगा, पीपीपी मॉडल पे लगा रहे हैं या सरकार को लगा रहे हैं? इसका टोटल बजट कितना आएगा? दोनों का बताइए। सर, इसको पीपीपी मान सकते हैं क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो करेगा और जो उसका खर्चा है लगभग 100 करोड़ रुपए का वो आएगा पर एनम, वो दिल्ली सरकार देगी। सर, वाईफाई अभी कैसे रेलिवेंट है? सबके पास फोन और इंटरनेट है। 2015 में it did make sense, but a lot of things have changed. मतलब to some extent I agree with you, लेकिन जो भी आपके पास है, this is in addition to whatever you have. Sir, एक 100 करोड़ दिल्ली सरकार देगी, ये किस लिए होगा? PPP है तो फिर क्या मॉडल इसको रेशो? 15 GBPS फ्री दे रहा हूँ. नहीं 100 करोड़ आप दे रहे हैं, लगभग एस्टिमेटेड खर्चा है कि 100 करोड़ उनका इंस्टॉलेशन चार्जेस आप वो करेंगे, बाकी आप सर कंपनी से कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे कि ओपेक्स से सर्विस ये जो मॉडल है हमारा ओपेक्स मॉडल है, सर्विस मॉडल भी कहते हैं, इसमें सारे इन्वेस्टमेंट जो वेंडर होगा वो करेगा, सरकार को पर हॉटस्पॉट पर मंथ के हिसाब से पेमेंट करेगी. इसके अंदर 50 मीटर की रेंज में जितने भी लोग हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, बट एक यूज़र को एक महीने में 15 GB तक ही यूज़ कर पाएगा. जितने भी बस स्टॉप हैं, बस स्टॉप के लोगों को बस के लिए इंतजार करना होता है आधा घंटा 15 मिनट बस, तो उसका यूज़ कर सकते हैं. और सभी रेजिडेंशियल एरियाज में अभी 100 हम पर कॉलोनी दे रहे हैं, तो जैसे कि आप सोच सकते हैं कि कई बार पार्कों के अंदर लोग इकट्ठा होते हैं, बड़े बड़े पार्क होते हैं, तो वहाँ पे शेल्टर्स बने हुए हैं जिसमें 50,000 लोग बैठते हैं, 100 बैठते हैं, तो उस तरह लग सकते हैं लोग काफ़ी यूज़ करेंगे. लगता है इसकी आशा है कि काफ़ी ऐसी जगह होगी. जो आपका क्वेश्चन है ना, जैसे मैं जब यूथ से मिलता हूँ वो कहते हैं जी वो फ्री वाईफाई उसका क्या हुआ, फ्री वाईफाई उसका, तो वेयरएज आई एग्री कि अब आज के ज़माने में 2015 में और 2019 में टेक्नोलॉजी में काफ़ी फ़र्क आया है, डेटा के रेट्स बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, लेकिन शायद स्टूडेंट्स के लिए वो जो एक्स्ट्रा वो जो फ्री होगा दैट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस इन देयर डे टू डे लाइफ. और स्पीड जो है वो 50 Mbps 200 Mbps की स्पीड. हाउ आर यू गोइंग टू इंश्योर दैट इट इज नॉट मिसयूज्ड? One and per router there is a capacity to handle the users. You one for each router there will be like 50, 60, 100 users there. 150, 200 simultaneous users per hotspot. 200 का नंबर काफी होता है. अब 200 लोगों को लगता नहीं कि एक जगह पे एक घंटा यूज कर पाएंगे. आप जितनी भी जगह होती है आप देखिएगा एयरपोर्ट पे भी एक साथ कई 200-300 लोग भी बहुत कम हो जाते हैं. 200 के बिल्कुल नहीं श्योर दैट इट इज नॉट मिसयूज्ड बाय मिसयूज्ड इन व्हाट सेंस? डाउनलोडिंग पॉर्न फॉर एग्जांपल. आई थिंक दे विल बिल्ड द सेफगार्ड्स, जो भी सेफगार्ड्स बिल्ड करने होंगे वी विल बिल्ड दैट. व्हाटएवर सेफगार्ड्स आर इंडिया में तो अलाउड ही नहीं है, इधर ही अलाउड नहीं है. अभी फर्स्ट फेज में वी विल लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस. इतने बड़े स्तर के ऊपर मुझे लगता है पूरी दुनिया में फ्री वाईफाई पहली बार किसी शहर में हो रहा है. आई थिंक वी नीड टू लर्न. ऐसे समय में जब ज्यादातर टेलीकॉम कंपनियां नेटवर्क डेटा देती हैं, ऐसे में क्या ये मान लीजिए कि दिल्ली सरकार का चुनावी वादा पूरा कर रही है? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब मैं यूथ से मिलता हूँ, यूथ के अंदर इसको लेके अभी भी एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है. मुझसे कई बार पूछते हैं कि सर वो क्या हुआ, कब आ रहा है, कब फ्री वाईफाई दे रहे हैं, तो उनको जरूरत है, इसीलिए हम लोग इसको कर रहे हैं. सर इसके राउटर्स जो है वो इंटीग्रेशन हाँ आपस सीसीटीवी से किया जा सकता है. जो हमारे सीसीटीवी है वो भी इससे वाईफाई यूज करके इसको एक्सटेंडर की तरह भी यूज करेंगे और सर्विस के लिए वो टेक्निकल वो बताएगा गोपाल बता दीजिए. गोपाल जितने भी हमारे सीसीटीवी लगे हैं वो वाईफाई सीसीटीवी कैमराज हैं, उनमें वाईफाई सिस्टम है, तो अगर कोई भी अगर इसको अपने ऑफिस में बैठ के सीसीटीवी में कुछ उसको पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसे SMS आता है कि कोई अलार्म है, तो वो वहाँ ऑफिस में बैठ के भी देख सकता है इस वाईफाई के थ्रू, तो एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी उसे मिलेगी. और जो वाईफाई मॉडेम्स हमारे सीसीटीवी के अंदर है वो एक्सटेंडर की तरह यूज करेंगे हम इसको. और इसकी रेंज क्या होगी, मतलब कितना? 50 मीटर पर रेडियस 50 बट डायमीटर 100 मीटर का होगा रेडियस. आज फ्री वाईफाई के लिए थैंक यू.